हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गली गली जायका में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सरिता, सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ आईने मार्केट। आपको प्रॉपर एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी जो अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी ईजिली आपको मिल जाएगा। बेसिकली आज हम यहाँ आए हैं दही के शोले ट्राई करने। आपने नाम तो पहले भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो सोचा चलिए आज यहीं पर आके आपको बताते हैं कि दही के शोले का टेस्ट कैसा है, इनका जायका कैसा है। तो चलिए मिलते हैं जो ये आज हमें खिलाने वाले हैं। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका नाम? पंडित रामचंद्र शर्मा। अच्छा, तो सर आज हम जो है आपके ये जो दही के शोले हैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो इसी को टेस्ट करना है। वैसे आप बेसिकली क्या क्या बनाते हैं अपने दुकान में? दही के शोले हैं, पनीर के हैं, चीज़ के हैं, इटालियन चीज़ है और अफगानी। अच्छा, इतने मतलब टाइप्स हैं आपके जो शोले बनाते हैं? हमारे करीब 11 साल हो गए। 11 साल हो गए हैं आपको। अच्छा, इससे पहले कुछ और करते थे या यहीं से स्टार्टअप किया? नहीं, यहीं से पहले हम यहाँ समोसा कचौड़ी वगैरह बेचते अच्छा। थे। तो फिर हमारा बेटे ने एचएम किया, उसने घर पे ये टाइल मारा ब्रेड में, पहले आलू भर के बनाते थे। जी जी जी। तो उसने एक दही का इसमें गोल बना के बनाया। अच्छा, दही का मिक्सचर भर दिया? दही का मिक्सचर बना, क्योंकि वो इसमें आइसक्रीम वगैरह सब कुछ बन देता। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत सारे टाइप के बना दिए उन्होंने। हाँ। दही के शोले, आलू के शोले, पनीर के शोले सब। तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा दही के शोले और इटालियन चीज। अच्छा सर, ये मतलब आप कितने रुपए से प्लेट स्टार्ट होती है? ये 30 रुपए का दही का है। अच्छा, पनीर का 40 का है, अफगानी 40 का है और इटालियन चीज 50 का और चीज का 50 का। अच्छा, बाकी सिर्फ दही के शोले या और कुछ भी आपकी? नहीं, हमारे यहाँ दही के शोले हैं, अब बर्गर भी बनता है। बर्गर कैसा है? चीज वाला ये सब? नहीं, हाँ चीज वाला भी बनता बर्गर, और छोटा सब है और सैंडविच वगैरह ये सब। अच्छा, आप हमें टाइमिंग बताइए, यहाँ की टाइमिंग क्या है? सुबह 9:30 बजे से शाम को 8:30। सातों दिन अवेलेबल होते हैं? यस। अच्छा, तो हम आपके बेसिकली आज शोले ही ट्राई करना है, जो सबसे अच्छा है ना वो आप हमें ट्राई कराइए। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कस्टमर जो आ रहे हैं उनकी डिमांड है दही के शोले, और काफ़ी सारी वैरायटीज है अंकल के पास, और बेसिकली वो शाम तक ही फ्री हो पाते हैं। देखने में बहुत ही बढ़िया सी शेप है। हम लोग बेसिकली जो ब्रेड रोल बनाते हैं घर में उसकी शेप नॉर्मल सी आती है, इसकी शेप ही इसकी यूनिकता है। तो मेरे ये दही के शोले एकदम तैयार है, और अब मैं इनको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ और बताती हूँ आपको कि इसका जायका कैसा है। देखने में आपको जो है ये वही नॉर्मल से ब्रेड रोल लगेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो तो खाने पे ही पता चलेगा। बहुत बढ़िया है। हम लोग जो है आलू की या पनीर की फिलिंग करते हैं, इन्होंने जो है दही है, शिमला मिर्च है, प्याज है और पनीर है, उसको क्रश करके उसका एक मिक्सचर से बनाया हुआ है। ऑसम। एक के बाद एक कस्टमर आ रहा है और डिमांड में सिर्फ शोले शोले और शोले। तो दोस्तों, मैं अपने ये शोले को एंजॉय कर रही हूँ, आप इस वीडियो को एंजॉय करना और जल्दी से आना इनको ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और आपने कौन सा ट्राई किया। तो ठीक है, आप वीडियो को एंजॉय करिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।